हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट BS4 एंड पैटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं स्क्रैपिंग में वो सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस तरीके से काम करता है और रिक्वेस्ट क्या है? तो बेसिकली पाइथन में रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी जस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो किचन है जहाँ पर आपका डोर और मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये किचन है और ये आप हैं, और आप किसी होटल के अंदर गए हुए हैं। ठीक है, आप किसी होटल में, आपने कुछ ऑर्डर किया जो भी आपको चाहिए था, और इस किचन में जो भी उस होटल के अंदर अवेलेबल होता है या जो भी है इसके अंदर वो बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ चाहिए, आपने ऑर्डर दिया। ठीक है, और यहाँ किचन से ये आप तक कैसे पहुँचेगा? तो इसके जो बीच का काम होता है वो करता है वेटर। तो जो वेटर काम करता है इसके आपके बीच का, आप क्या करते हैं, आप कुछ ऑर्डर देते हैं, आपके ऑर्डर को किचन तक पहुंचाता है वेटर, और उसके बाद जो आपने मंगाया होता है वो वापस आप तक पहुंचाता है। तो अब हम इसका अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, मतलब सर्वर के अकॉर्डिंग और रिक्वेस्ट जो हम जिस चीज़ को हम बेसिकली समझने वाले हैं। तो मान लीजिए ये आप हो, आपने क्या किया कि हाँ आप होटल में हो, आपने ऑर्डर दिया कुछ, आपने जब ऑर्डर दिया तो वेटर लेकर गया यहाँ किचन तक, और किचन में जब वो तैयार मतलब बन चुका था तो आप ये वापस क्या कहते हैं यहाँ से वापस लेकर आया आपके पास तक लेकर आया है अभी ये। तो अब हम इसको समझते हैं एकदम उस इसी वे में जिस वे में हमें समझना चाहिए, यानी टेक्निकल के थ्रू, मतलब टेक के थ्रू। तो क्या किया यहाँ से, ये आप क्लाइंट हो, क्लाइंट ने क्या किया, अपने ब्राउज़र पर सर्च मारा कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ के बारे में उसे सर्च मारना था, तो रिक्वेस्ट के थ्रू क्या हुआ, वो सर्वर पर गया, उसने सर्वर पर हिट मारा और जाकर फाइंड किया उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, जो भी चीज़ थी जो भी आपने सर्च मारा, तो वह वापस आई यहाँ तक, मतलब आपके पास आई। तो बेसिकली क्या हुआ, क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, API के थ्रू। API यानी जो बीच का प्रोसेस होता है ले जाने का, या ऑर्डर जो भी आपने सर्च किया उस सब के बीच का प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट। तो वो बेसिकली कौन करता है, वेटर करता है, जिसको हम एक तरीके से API बोल सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी जो क्लाइंट को और सर्वर को बीच में इंटरेक्ट कराता है उसे बोलते हैं API। अब आता है हमारा BS4, बट BS4 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि API ये किस तरीके से काम करता है हमारा रिक्वेस्ट। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपना IPython शेल खोल कर और इम्पोर्ट कर लूँगा मैं रिक्वेस्ट को। अब मैं क्या करूँगा, URL, यहाँ पर मेरा URL होगा, मतलब जिस भी वेब पेज पे मैं स्क्रैपिंग करने वाला हूँ या अपना स्क्रैपर बनाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली एक IMDB का लिंक है यहाँ पर मेरे पास, मैंने अपने ब्राउज़र पे इसे पेस्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, एक रेस नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि मुझे रिस्पॉन्स ला के देगा, यानी ये जो मेरा URL है मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट के थ्रू इसे रिक्वेस्ट भेजूँगा सर्वर पे। तो ये जो मैंने URL दिया है, इस URL से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे RES नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। अब जब मैं एंटर करता हूँ इसको, तो मेरे एंटर करने के बाद एक स्टेटस कोड आता है जिसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा, यानी ये जो मेरा रेस नाम का वेरिएबल था इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब जब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैंने इसको प्रिंट करवाया तो एक स्टेटस कोड प्रिंट हुआ, रिस्पॉन्स 200, ये प्रिंट हुआ। तो यानी क्या हुआ कि ये सक्सेसफुली हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया हमारे सर्वर पे, और ये चीज़ अवेलेबल थी जो भी आया इसके अंदर, हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। अगर कोई भी हमारे स्टेटस कोड 4 से या 5 से स्टार्ट होता है तो हमारा कुछ एरर होता है, या तो हमने हमारे URL में एरर होती है, या क्या कहते हैं वो किसी वजह से वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अब हमारे इस रेस के अंदर क्या प्रिंट क्या हो, मतलब चीज़ क्या है, अभी तो मैंने आपको प्रिंट करके बता दिया कि जो है इसके अंदर एक स्टेटस कोड है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो जिस भी फॉर्म, मतलब जिस भी HTML टैग या स्क्रिप्ट टैग में हमारा जो फ्रंट एंड यानी इंटरफेस बना हुआ होता है वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। यानी अब जब मैंने इस वेब पेज को इंस्पेक्ट किया, तो इसके साइड में जो मेरे इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो साइड में
जितना भी ये कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको, जितने भी ये टैक्स एचटीएमएल टैग या हेडिंग्स स्क्रिप्ट टैग दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे उस रेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। तो उसको मैं प्रिंट करके आपको बताता हूँ। ये मेरा रेस्ट वेरिएबल और मैंने क्या किया, डॉट टेक्स्ट कर दिया। और अब जब मैं एंटर करूँगा तो जितना भी ये देखिए स्क्रिप्ट टैग डिव आईडी वगैरह सब कुछ है, मतलब जितना भी हमारा इंटरफेस, मतलब जो भी हमारा वेब पेज का इंटरफेस था वो पूरा उस हमारे वेब पेज के अंदर स्टोर हो गया रिक्वेस्ट के थ्रू। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, अब हम समझेंगे BS4 क्या है, BS4 किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली जो BS4 है, हमें BS4 का यूज़ नहीं होता है, उसके अंदर जो ब्यूटीफुल सूप नाम की लाइब्रेरी है उसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा फ्रॉम, और जो BS4 है ये एक पाइथन का मॉड्यूल है जिसको हम स्क्रैपिंग में यूज़ कर रहे हैं, और ब्यूटीफुल सूप एक लाइब्रेरी है। तो ये BS4 मैं इम्पोर्ट करवाता हूँ ब्यूटीफुल सूप को, और मैं एक सूप नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इक्वल टू रेस्ट डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट कॉमा HTML डॉट पार्सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML डॉट पार्सर का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। मैंने ये यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने यहाँ पर एक सूप नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्या हुआ ये जो मेरा रेस्ट डॉट टेक्स्ट था इसके अंदर मैंने अभी आपको दिखा दिया क्या स्टोर है। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो भी इंटरफेस, जिस भी हमारे HTML टैग्स और जो जो यूज़ किए गए हैं वो सब इसके अंदर स्टोर है, वो सब इसके अंदर स्टोर हैं। तो मैं क्या करूँगा HTML डॉट पार्सर, यानी जब मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और जो भी आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा तो HTML डॉट पार्सर के थ्रू मैं सिर्फ उसी चीज़ को, यानी जो भी मुझे चाहिए, जो भी टैग या जो भी मुझे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो मुझे, मैं HTML डॉट पार्सर यानी इस पार्सर के थ्रू मैं उसे रिट्रीव कर पाऊँगा, यानी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करके बताता हूँ। मान लीजिए मुझे, एक मिनट मैं इस पर जाता हूँ, और अब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, और यहाँ से हमारे इंस्पेक्ट जब हम करते हैं इसके ऊपर से एक ऑप्शन होता है स्क्वायर में सेलेक्ट एन एलिमेंट इस टाइप का। तो मैंने जब उस पर क्लिक किया तो अब मैं किसी भी, अगर जो भी मेरा ये सामने जो मेरा इंटरफेस दिख रहा है, मेरा जो वेब पेज दिख रहा है, मैं उस पर जो है अपने कर्सर को लेकर जा रहा हूँ तो उसको वो ब्लू कर दे रहा है। तो यानी जो फुल कास्ट एंड क्रू है, मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक